कल्पना लोक की सैर कराती हैं, कहानियाँ बताती हैं जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। कहानियों में होता है साहस, वीरता, रहस्य, रोमांच का ऐसा पुट जो बच्चों में डालता है ऐसे संस्कार बीज जो समय आने पर स्वादिष्ट फलों के रूप में सामने आते हैं, जिनसे घुल जाती है नीरस जीवन में भी अमृतमयी मिठास। इस संकलन में ऐसी ही कहानियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी चतुर लोमड़ी। एक जंगल में चार बैल रहते थे, उनमें गहरी मित्रता थी। वे चारों हमेशा साथ साथ ही रहते थे, साथ घूमने जाते, साथ साथ चरने जाते। चारों में इतनी एकता थी कि सुख दुख मिलकर सहते थे। कभी कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता तो वे चारों मिलकर उसका सामना करते और उसे मारकर भगा देते। इसी कारण पूरे जंगल में उनका दबदबा था। चीते और बाघ जैसे जानवरों की जो किसी भी प्रकार उनका लजीज और पुष्ट मांस खाने के अभिलाषी थे, उन चारों से भिड़ने की हिम्मत ना होती। सियार और लोमड़ी जैसे जानवर अलग राल टपकाते थे। मंथरा लोमड़ी जो हमेशा शेर को भड़काती रहती थी, मगर उन चारों का बल और एकता देखकर शेर की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक बार लोमड़ी ने अपने खुराफाती दिमाग से उन चार बैलों में अनबन करवा दी। वे एक दूसरे से नाराज हो गए। उस दिन से वे अलग-अलग रहने लगे। वे अलग रास्ते से जंगल में चरने जाते। लोमड़ी ने जाकर तुरंत शेर को अपनी इस कामयाबी की सूचना दी। वह स्वयं तो किसी बैल का शिकार कर नहीं सकती थी, मगर उसे पता था कि यदि शेर शिकार करेगा तो उसे भी थोड़ा मांस खाने को मिलेगा। शेर तो बहुत दिनों से इसी ताक में बैठा था। उसने एक एक कर सभी बैलों को मार डाला और उन्हें खा गया। लोमड़ी ने भी कई दिनों तक खूब छक्कर मांस खाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें एकता दिखानी चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, चतुर लोगों से बचकर रहना चाहिए। एकता में ही बल है।